पॉलियाना। हमारी कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव के लोग अपने परिवार का पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, पर कोई भी इस छोटे से गांव के छोटे से अनाथ आश्रम और उसके बच्चों पर ध्यान नहीं देता। और यहीं पर रहती है हमारी नन्ही पॉलियाना। उसके माता पिता के अचानक गुजरने के बाद अब यही अनाथ आश्रम उसका घर था। पॉलियाना की किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसकी आंट पॉली, वही आंट पॉली जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया था, पास में ही रहती थी और उसे गोद लेने के लिए तैयार थी। क्या आप मेरी आंट पॉली हो? नहीं बेटा, मैं उनकी नौकरानी हूँ, जिंजर। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाती हूँ। जैसे ही गाड़ी उनके नए घर के सामने रुकी, पॉलियाना देखकर हैरान रह गई कि ये एक घर नहीं बल्कि एक महल है। कौन है ये आंट पॉली? जिंजर, इस लड़की का सामान ऊपर रख दो, अटारी में। जी मैम। क्या आप मेरी आंट पॉली हो? हाँ बेटा। मुझे गोद लेने के लिए शुक्रिया। हाँ खैर, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अब जल्दी करो, जिंजर के साथ अपने कमरे में जाओ और खो मत जाना। कितना सुंदर है, है ना? हाँ, देखो तो कितनी जगह है। और आपको पता है, इस सुंदर खिड़की से आंगन दिखाई देता है। आंट पॉली ने मुझे इस घर का सबसे बढ़िया कमरा दिया है। अच्छा है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। वैसे तुम्हारे लिए यहाँ करने को कुछ खास नहीं, तो बेहतर होगा कि आंट पॉली की नजरों से तुम दूर रहो। यहाँ पर डिनर का समय है 6 बजे। अगर तुमने जरा भी देरी की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। समझ गई ना तुम? जी मैडम, शुक्रिया मैडम। मेरा घर कितना सुंदर है मॉम। डैडी, आपको भी यहाँ अच्छा लगता। 6:02 हो गए। पॉलियाना, कहाँ हो तुम? पॉलियाना, पॉलियाना। डिनर को शुरू हुए 5 मिनट हो गए हैं। जब आंट पॉली को इसके बारे में पता चलेगा तो तुम्हारी खैर नहीं लड़की। माफ करना, मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर है। तुम लेट हो। मैं उन सुंदर फूलों और बादलों को देख रही थी। आपको नहीं लगता आज का दिन कितना सुहाना है? ये सब क्या है? यहाँ के कुछ नियम है। पॉलियाना ने आंट पॉली की बात को नजरअंदाज किया और वो मजे से खाना खाने लगी। यहाँ पॉलियाना हर निवाले का मजा ले रही थी और उधर आंट पॉली ने गुस्से में खाने को छुआ तक नहीं। खाने के बाद देर से आने के लिए आंट पॉली ने पॉलियाना को सजा देने का फैसला किया। वो पॉलियाना को अटारी के कमरे में लेकर गयी और उसे बंद कर दिया। तुम सुबह तक यहीं रहोगी, अकेले रहोगी तो थोड़ी तमीज सीख लोगी। आंट पॉली ने दरवाजे को जोर से पटका और पॉलियाना को अकेले छोड़कर वो चली गई। शुरू शुरू में तो पॉलियाना उदास हुई। ओ मॉम, ओ डैड, आपकी बहुत याद आती है। आंट पॉली नहीं समझती कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। उन्हें सिर्फ बुराइयां दिखाई देती हैं। काश आप यहाँ होते मेरी मदद के लिए। प्लीज मुझे बताइए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी समय हवा के तेज झोंके से खिड़की के सामने जो पर्दे थे वो उड़ने लगे। पॉलियाना का ध्यान गया और वो खिड़की के बाहर देखने गई। क्या खूबसूरत शाम थी।
खिड़की के बाहर पोलियाना ने चांद को देखा और अपने आंगन में तारों को फूलों पर चमकते हुए। वाओ, कमाल है, एक पेंटिंग की तरह, मुझे यही चाहिए था। शुक्रिया मॉम और डैड, भले ही मैं अपने कमरे में बंद हूँ, मैं इस सुंदर रात का मजा ले सकती हूँ जो मैं नहीं ले पाती थी। मैं आंट पॉली को ये बताऊंगी कि खुश रहना चाहिए और जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लगता है मुझे उन्हें खुशी का खेल सिखाना चाहिए। अगली सुबह जिंजर ने पोलियाना के कमरे का दरवाजा खोला और दोनों सामान खरीदने के लिए गांव गए। पोलियाना को अलग अलग दुकानों में जाना और लोगों से मिलना बहुत पसंद था, पर वहाँ एक आदमी था जिस पर उसकी नजर गई। वो वहीं सड़क पर खड़ा था, किसी से बात नहीं कर रहा था और गुस्से में था। पोलियाना सीधा उसके पास गई। मैं पोलियाना हूँ, आपका नाम क्या है? रिचर्ड। आपसे मिलकर अच्छा लगा रिचर्ड। आज शॉपिंग करने के लिए कितना अच्छा दिन है ना? हाँ। आप क्या खरीदने आए हो? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ नहीं है? मुझे मेरी मॉम स्वर्ग से देख रही है। ओह, सुनकर अफसोस हुआ। कुछ देर बाद जिंजर को एहसास हुआ कि पोलियाना उसके साथ नहीं है। पोलियाना, क्यों इन्हें परेशान कर रही हो? I'm sorry, sir. फिर कभी मिलेंगे रिचर्ड। पोलियाना और जिंजर ने अपनी शॉपिंग जारी रखी। एक खिलौने की दुकान के बाहर पोलियाना सैम नाम के एक लड़के से मिली। उसने पोलियाना को अपनी गेंद से खेलने के लिए कहा और जल्दी दोनों दोस्त बन गए। जब पोलियाना और जिंजर घर जा रहे थे, पोलियाना ने सड़क पर एक छोटी सी बिल्ली को देखा। वो अकेली और उदास लग रही थी, तो उसने बिल्ली को उठा लिया। इस बिल्ली को एक घर चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता आंट पॉली को ये अच्छा लगेगा। पोलियाना, हमें उनकी मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत हो। घर पहुंचने पर पोलियाना ने आंट पॉली को अपनी नई बिल्ली से मिलवाया। इसका नाम है डेजी। कोई भी सड़क का जानवर इस घर में नहीं आएगा, हद हो गई। पर ये कितनी अकेली है और इसे खाना चाहिए। मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी जहाँ ये पक्षियों को देख सकेगी और धूप सेक पाएगी। आपको ये बिल्कुल तंग नहीं करेगी। हर हफ्ते जब जिंजर शॉपिंग कर रही होती, पोलियाना उसके साथ गांव चलती। जितना हो सकता वो सैम के साथ खेलती और जल्दी वो पक्के दोस्त बन गए। सैम वो पहला लड़का था जिसे पोलियाना ने खुशी का खेल सिखाया। ये खेल बहुत आसान है, देखो मैं बताती हूँ। वो कौन सी चीज है जिससे तुम दुखी हो? इस पूरे हफ्ते में हर दिन मेरी माँ ने हमें वही सूप पिलाया। मुझे दुख है कि हम कुछ और नहीं खा सकते। इसे इस तरह खेलते हैं। तुम्हें थोड़ी देर के लिए कुछ बहुत ही बुरा सोचना होगा, जैसे कि खाना खाने को ही ना मिले। बिल्कुल, सोचो तुम्हें खाना खाने को ही ना मिले। भले ही ये वही सूप हो, कम से कम तुम पी तो रहे हो, तुम भूखे नहीं रहोगे। तुमने सही कहा, मुझे अच्छा लग रहा है। सैम और पोलियाना को खुशी का खेल खेलना पसंद था। अगले कुछ हफ्तों में पोलियाना ने गांव के बाकी लोगों को भी वही खेल सिखाया। हर कोई उसकी सोच से हैरान था। एक दोपहर को पोलियाना ने सैम को आंट पॉली से मिलवाने का फैसला किया। आंट पॉली, मिलिए सैम से। आपसे मिलकर अच्छा लगा आंट पॉली। पोलियाना, मैंने कहा था ना कि सड़क छाप लोगों को घर नहीं लाना है। पर मैं कोई सड़क छाप नहीं हूँ। आंट पॉली की बातों से सैम को बहुत बुरा लगा। वो घर के बाहर रोता हुआ गया। सैम, रुको। पोलियाना सैम के पीछे भागी। उसने दोनों तरफ देखा और रास्ते को पार किया। जल्दी में पोलियाना ने दोनों तरफ नहीं देखा। वो सैम के पीछे भागी और फिर कुछ ऐसा हुआ। उस हादसे के बाद पोलियाना काफी दिनों तक अस्पताल में रही। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
हम कुछ कह नहीं सकते, पता नहीं पॉलियाना फिर कभी चल पाएगी या नहीं। मेरी बच्ची। बिस्तर पर पड़े रहने के बाद भी पॉलियाना खुश थी। उसने डॉक्टर्स और नर्सिस को खुशी का खेल सिखाया और उन्होंने उस खेल को खेला। सिर्फ एक इंसान को ये खेल नहीं खेलना आता था, वो थी आंट पॉली। पॉलियाना, तुम इतनी खुश कैसे रह सकती हो? खुशी के खेल की वजह से। मैंने तो ये नहीं सुना। मैं सिखा सकता हूँ। रिचर्ड ने पॉलियाना के हादसे के बारे में सुना था और वो जितनी जल्दी हो सका अस्पताल पहुँचा। अगले कुछ हफ्तों तक वो आंट पॉली और जिंजर के साथ पॉलियाना के पास ही बैठा रहा। वो और पॉलियाना खूब सारी बातें करते और जल्दी वो अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन उसने पॉलियाना को एक राज की बात बताई। मैं तुम्हारी माँ को जानता था। सच में? हाँ, मैं उनसे प्यार करता था। उन्हें तुम्हारे पिता से प्यार था। हम कभी एक साथ नहीं हो पाए। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। क्या बात है। मेरे पास जरूरत से भी ज्यादा पैसा है, तुम मेरे साथ आकर रहना चाहोगी? मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। हम तुम्हें फिर से चलना सिखा सकते हैं। ओह वाओ, मुझे नहीं लगता मैं आंट पॉली को छोड़ पाऊंगी। लेकिन मैं किसी को जानती हूँ जिसे आपकी मदद की जरूरत होगी। रिचर्ड दोपहर को निकल गया और उसने वादा किया कि वो एक आध दिन में फिर मिलने आएगा। पॉलियाना ने आंट पॉली को रिचर्ड के प्रस्ताव के बारे में बताया और आंट पॉली और जिंजर खुशी के आंसू रोने लगे कि वो उन्हें छोड़ कर नहीं गई। मैं समझ गई पॉलियाना, कि गम के बादलों के बीच तुम उम्मीद की एक किरण हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, हमें बताने के लिए शुक्रिया कि जिंदगी एक खूबसूरत चीज है। तुम्हारे साथ बीते हर पल को हम याद रखेंगे। रिचर्ड ने अपने पैसों से खास डॉक्टर्स को रखा ताकि पॉलियाना फिर से चल सके। आखिरकार वो चलने लगी। काफी महीनों की कोशिशों के बाद पॉलियाना आंट पॉली और जिंजर के साथ घर गई। रिचर्ड सैम से मिला और पॉलियाना की वजह से उसने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। सैम ने रिचर्ड से काफी कुछ सीखा और वो अपनी कमाई से अपने परिवार को पैसे भेज पा रहा था। अब हर दिन उन्हें सूप पीने की जरूरत नहीं थी। आज रात हम चिकन और आलू खाएंगे। स्वादिष्ट। प्यारे मॉम और डैड, हर दिन आपकी याद आती है। आंट पॉली ने आखिरकार जिंदगी की सुंदरता को समझ लिया है। भले ही हम उदास हो, हम खुशियों के पल को याद करके जिंदगी में खुश रह सकते हैं। सैम और रिचर्ड एक साथ खुश हैं और अब मैं फिर से चल सकती हूँ। डेजी दुनिया की सबसे प्यारी बिल्ली है और मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से मैंने सकारात्मकता और अनुग्रह सीखा है। अगर मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ होता तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाती कि चल पाना कितनी बड़ी बात होती है। मुझे आपकी याद आती है, आपकी प्यारी बेटी पॉलियाना।